नमस्कार दोस्तों, छोटे उद्योग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बेकरी के बिजनेस के बारे में। बेकरी का बिजनेस कैसे शुरू करें, बेकरी के बिजनेस के लिए कितनी लागत लगेगी, बेकरी के बिजनेस के लिए जगह का चुनाव कैसे करें, बेकरी के बिजनेस से आपको कितना मुनाफा होगा, बेकरी के बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें और दोस्तों बेकरी के बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बेकरी के बिजनेस के बारे में। दोस्तों भारतीय बेकरी बाजार का मूल्य 850 करोड़ है, जो कि दोस्तों 20-25% सालाना की दर से बढ़ रहा है। दोस्तों बेकरी एक बहुत ही सुरक्षित व्यवसाय है। एक आबादी वाला कोई भी क्षेत्र के संभावित क्षेत्र जहाँ पर अच्छी आबादी हो, क्योंकि यहाँ हर दिन सैकड़ों जन्मदिन होते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में वर्षगांठ और विशेष अवसर जैसे मातृ दिवस, वैलेंटाइन डे, नववर्ष, शादियां, दिवाली, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, पितृदिवस, ईस्टर इत्यादि, इन सभी अवसरों पर केक की जरूरत पड़ती है। और केक दोस्तों सिर्फ बेकरी में ही मिलता है, जिस कारण बेकरी के बिजनेस की मांग बढ़ रही है। बेकरी एक सुरक्षित व्यवसाय है। बेकरी व्यवसाय में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है और बढ़ती मांग ने बेकरी व्यवसाय में बहुत सारे होम बेकर्स और शेफ को बढ़ावा दिया है। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बेकरी बाजार 2019 में लगभग 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य पर पहुंच गया दोस्तों, जिससे बेकरी एक आधुनिक आकर्षक रेस्टोरेंट के रूप बन गया है। दोस्तों आज देखने में यह आ रहा है कि बेकरी के सामान की खपत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों खासकर बच्चों के लिए सुबह का पसंदीदा नाश्ते के रूप पर प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है। दोस्तों इसके पीछे कई कारण है, क्योंकि बेकरी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफी स्वादिष्ट होते हैं, इनके खाने के लिए कई स्वास्थ्य संबंधी फायदे भी होते हैं। दोस्तों ये गेहूं से बने होते हैं, इसलिए इसमें काफी पोषक तत्व आदि भी मौजूद होते हैं। दोस्तों इन सब वजहों के कारण आज बेकरी के उत्पाद गाँव, शहर और महानगरों जैसे सभी जगह काफी पसंद किए जाने लगे हैं। दोस्तों लोगों की बेकरी उत्पादों की बढ़ती मांग एक नए बिजनेस के द्वार भी खोलती है। दोस्तों आज बेकरी के उत्पादन के कारण कई गरीबों की आजीविका भी चल रही है, यह पैसे कमाने का बहुत ही अच्छा जरिया बन सकता है। दोस्तों इस उद्योग की मुख्य विशेषताओं में से एक यह भी है, इसे कम पूंजी में शुरू करके भी आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं बेकरी क्या है। दोस्तों बेकरी वह स्थान है जहाँ ब्रेड, केक और बिस्किट, चॉकलेट आदि का निर्माण किया जाता है। इन सभी चीजों को बनाकर बेचने के काम को दोस्तों बेकरी का बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों बेकरी बिजनेस से जुड़ी चीजों को बेक यानी कि सेक कर बनाया जाता है, इसलिए इसे बेकरी कहते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं बेकरी में क्या क्या बनता है। दोस्तों बेकरी में बिस्कुट, ब्रेड, केक, ब्रेड एंड बंस, मफिन्स एंड कपकेक्स, आइसक्रीम, रॉ मटेरियल, पाइस, बेकरी स्वीट्स, पेस्ट्री, वेफर्स, चोको पाइस, केक रस, टोस्ट, पेस्ट्री आदि। दोस्तों बात करते हैं बेकरी के बिजनेस के लिए जगह या लोकेशन। दोस्तों एक बेकरी के लिए एक प्रतिष्ठित बाजार जहाँ पर फुटबॉल अधिक है, आदर्श रूप से भूतल पर सामने के क्षेत्र की दुकानें, दोस्तों जहाँ पर आसानी से जो दिखाई दे, दोस्तों बेकरी के विषय के लिए उपयुक्त है। दोस्तों बेकरी के बिजनेस के लिए आपको तकरीबन 1,000 से 2,000 वर्ग फुट की जगह की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों अगर आपको जगह खरीदना है, किराए पर लेना है, जहाँ पर आपको मुश्किल होता है या काफी महंगी हो सकता है, इसके लिए दोस्तों आप चाहे तो इस बिजनेस को आपको अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं या आप जमीन भी किराए पर ले सकते हैं। ये दोस्तों आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। यदि आपके पास घर पर इतनी पर्याप्त जगह नहीं है तो आप बेकरी बिजनेस को शुरू करने के लिए अपने आसपास कहीं पर जमीन रेंट लेकर वहां पर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं बेकरी के बिजनेस के लिए लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि यह खाद्य पदार्थ से जुड़ा हुआ बिजनेस है, इसके शुरू करने के लिए आपको फूड लाइसेंस की आवश्यकता होगी। वर्तमान में फूड लाइसेंस के लिए दोस्तों आप ऑनलाइन भी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन यानी कि आपको GST की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको नगर निगम, नगर पालिका से भी हेल्थ लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आपको फायर डिपार्टमेंट से NOC या फायर लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों आपको पुलिस विभाग से भी हीटिंग लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं बेकरी के बिजनेस के लिए जरूरी उपकरण। दोस्तों बेकरी की शुरुआत करने के लिए आपको बहुत से उपकरण आदि को खरीदना होगा, जिनकी कीमत दोस्तों लाखों में होती है। दोस्तों इन उपकरणों की मदद से आप अलग अलग तरह के बेकरी के जुड़े प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों बेकरी के लिए क्या क्या सामान है और किस उपकरण का इस्तेमाल होता है। दोस्तों बात करते हैं मिक्सर मशीन। दोस्तों बेकरी के बिजनेस के दौरान आपको बहुत सी चीजों को मिक्स करने की जरूरत पड़ती है, वह भी बहुत ज्यादा मात्रा में। दोस्तों इसके लिए आपको एक मिक्सर की जरूरत पड़ेगी। कुछ ऐसे मिक्सर होते हैं जिनकी क्षमता 100 किलो तक मिक्स करने की होती है। दोस्तों इन्हें आप बाजार में 50,000 से 1,00,000 रुपए की कीमत तक खरीद सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं ड्रॉपिंग मशीन। यह एक ऐसी मशीन है जो बेकरी के बिस्कुट को एक नया आकार देती है। इस मशीन की आवश्यकता के आधार पर इसकी कीमत बढ़ती और घटती रहती है। दोस्तों यदि बाजार से 6 से 9 रो वाली ड्रॉपिंग मशीन खरीदते हैं तो यह मशीन आपको एक घंटे में 150 से 250 किलो उत्पाद को बिस्कुट के आकार में बदल सकती है। दोस्तों बात करते हैं बेकरी ओवन। दोस्तों यह एक बड़ी मशीन होती है जिसे आप 4 लाख की कीमत तक आसानी से खरीद सकते हैं। यह मशीन दोस्तों बेकरी के बिजनेस के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों इसमें कई
प्लेट्स होती है, जिन मशीन में जितनी ज्यादा प्लेट्स होंगी उतनी बेकिंग क्षमता उतनी ही ज्यादा अधिक होती है। दोस्तों बात करते हैं पैकिंग के लिए लेयर मशीन। दोस्तों यह मशीन बेकरी के उत्पादों को पैक करने का काम करती है। दोस्तों यह मशीन कई बेकरी के उत्पादों को पैक कर सकती है। जरूरत पड़ने पर आप कई अलग अलग तरह की पैकिंग मशीनों का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं बेकरी के बिजनेस के लिए आपको कितने वर्कर की जरूरत पड़ेगी, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कुछ कुशल और कुछ अकुशल लोगों की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों कुशल लोगों में से आपको एक व्यक्ति की ऐसी जरूरत पड़ेगी जो बेकरी के प्रोडक्ट को आसानी से बनाना जानता हो या उनको निर्माण की प्रक्रिया आदि से परिचित हो, साथ ही उन्हें इन सब कामों का अनुभव भी होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए आपको किसी शेफ को नौकरी पर रख सकते हैं। इसके साथ ही आपको सहायक के तौर पर 5 से 6 वर्कर की जरूरत पड़ेगी जो इस काम के व्यक्ति की सहायता कर सके। दोस्तों जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तब आप अपने स्टाफ को बढ़ा भी सकते हो। दोस्तों बात करते हैं बेकरी के बिजनेस के लिए कितनी लागत करने लगेगी, कितना इन्वेस्टमेंट करने की आपको जरूरत है। दोस्तों यदि आप बेकरी बिजनेस को एक बड़े स्तर पर शुरू करना की योजना बना रहे हैं तो आपको शुरुआत में कम से कम 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस से कुछ मशीनें हैं जिनके बिना यह बिजनेस नहीं चल सकता, उन्हें लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों सारी मशीनों की कीमत कुल मिलाकर लगभग 10 लाख के आसपास होगी। इसके अलावा दोस्तों रॉ मटेरियल के लिए आपको थोड़ा बहुत और खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों शुरुआत में रॉ मटेरियल की कीमत 1 से 2 लाख रुपए तक हो सकती है। दोस्तों इन मशीनों को आप खुद तो चला नहीं सकते, इसके लिए आपको 5-6 वर्करों को रखना पड़ेगा, उनको सैलरी भी देनी होगी। दोस्तों इनमें एक रसोईया यानी कि सेफ होता है जो प्रोडक्ट को बनाने का काम करता है, और दोस्तों बाकी के जो लोग होते हैं वो उसकी मदद करने के लिए होते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं बेकरी बिजनेस से आपको कितना मुनाफा होगा, कितनी से कमाई हो सकती है। दोस्तों बेकरी बिजनेस से होने वाली कमाई आपको लाखों रुपए में भी हो सकती है। दोस्तों कई ऐसे लोग हैं जो बेकरी के बिजनेस से 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, उसकी कमाई लाखों में है। दोस्तों इस बिजनेस में सफलता का एक सीधा मूल मंत्र है कि आप अपने प्रोडक्ट को जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में सफल होंगे उतना ही ज्यादा मुनाफा आपका बढ़ता रहेगा। दोस्तों बेकरी बिजनेस में मुनाफा की क्वालिटी और प्रोडक्ट बनाने की दर पर भी निर्भर करता है। दोस्तों अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया है तो दोस्तों आप महीने के 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए महीने का आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आप अपने बेकरी बिजनेस की विज्ञापन कैसे करें। तो दोस्तों आप बेकरी के बिजनेस का विज्ञापन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों इस बारे में सोचे कि आप अपने बेकरी व्यवसाय का विज्ञापन कैसे करना चाहते हैं। दोस्तों ऑफलाइन के लिए आप लोगों को बताकर स्थानीय विज्ञापन और प्रचार करके अपने स्टोर पर ग्राहक लाएं। दोस्तों आप प्रिंट में विज्ञापन दें, अखबार में विज्ञापन दें, स्टोर लॉन्च के दौरान शहर भर के लोगों को आमंत्रित करें। दोस्तों बात करते हैं ऑनलाइन प्रचार कैसे करें। दोस्तों इस बात का एहसास होना जरूरी है, आज के जो उपभोक्ता है दोस्तों उनके पास खरीदने के लिए बढ़िया क्षमता है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने बेकरी व्यवसाय की मार्केटिंग के लिए अपने स्टोर की एक वेबसाइट बनानी होगी। इसके लिए दोस्तों आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। अपने स्टोर को दोस्तों आप गूगल मैप पर प्रदर्शित कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही आप ऑनलाइन उपभोक्ता की आबादी तक पहुंचाने के लिए आप फेसबुक, गूगल आदि का सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे दोस्तों आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।